বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ। ওয়াজাইফ কে মুকদ্দাস সিলসিলে কে সাথ হাজির খিদমত হ্যায়। নাজরীনে কিরাম, কুরআনে হাকীম কি হর হর আয়াত মুমিনিন কে লিয়ে শিফা ভি হ্যায় ওর রহমত ভি। কুরআনে হাকীম নে বড়া ওয়াজিহ ফরমায়া, ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রহমাতুল লিল মুমিনিন, कि हमने कुरान में जो कुछ उतारा वो मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। नाज़रीने किराम, कुरान हकीम की किसी भी सूरा का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम करते हैं। हर जायज़ अमल का आगाज़ बिस्मिल्ला शरीफ से करते हैं। बिस्मिल्ला शरीफ ख़ुद एक कुरान हकीम की आयत मुकद्दसा भी है। इसके मुजरबात बेपनाह हैं। हर जायज़ काम से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं तो उसमें अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है, और जिस काम में आप बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते हैं गोया आपने अपने रब की रहमत के दरवाज़े पे दस्तक ही नहीं दिए। आइए इसके चंद मुजरबात आपके सामने पेश खिदमत हैं। अगर आपको किसी भी जिस्म के हिस्से पर दर्द हो तो 3 दिन तक रोज़ाना 100-100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दर्द वाली जगह पर दम करें, इंशाअल्लाह दर्द से आफाका हो जाएगा और आपको दर्द से निजात मिल जाएगी। इसी तरह सर में, सीने, बाजू वगैरह पर अगर आपको दर्द हो तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ लिखकर उस उज्व पे बांध दें, अल्लाह ताला आपको फौरन दर्द से निजात अता फरमा देगा और फिर वो दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टांगों वगैरह पे ना बांधिए क्योंकि वो नाजायज़ अमल है, उससे उल्टा फ़ायदे के नुकसान का अंदेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द हमेशा करते रहना चाहिए। मोहब्बत में अगर कहीं दरार पड़ रही हो, आपस में इख्तलाफ बढ़ रहा हो, तो 686 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर पानी पे दम करके आप अगर अपने महबूब को पिला देते हैं, मियाँ बीवी को या बीवी अपने शोहर को, भाई बहन को या बच्चे वालदैन या वालदैन बच्चों को पिलाते हैं, तो परवरदिगार आलम उनके अंदर बेपनाह मोहब्बत पैदा करेगा इस आयत मुकद्दसा की बरकत से। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।